हमारी ये महाशय तो गिर गए, आता क्या करना है? अब किसी को तो मटकी तोड़नी होगी ना। मैं तोड़ता। तुम मटकी फोड़ोगे? हाँ, कोई संदेह? ये कार्य देखने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही कठिन है। गिर गए तो हड्डियां टूट जाएंगी। किंतु गिरूंगा तब ना, गिरे ही नहीं तो क्या पता, मैं बड़ी सरलता से ऊपर पहुंच गया और माखन निकाल भी लिया तो। वो क्या है ना, जीवन में कई बार ये कार्य मैं पहले ही कर चुका हूँ, आता काय संग। चलो प्रयास तो करते हैं। भाग्य की विडंबना देखो गौरी, जो नारायण अपने कृष्णावतार की बाल लीलाओं में माता यशोदा द्वारा कठिन से कठिन स्थान पर रखी, माखन की मटकी में से माखन चोरी करके खा लिया करते थे, आज उन्हीं नारायण के एक अन्य स्वरूप श्रीनिवास को सबको ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि वो माखन पाने के लिए दही हांडी की इस मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ सकते हैं। सत्य कहा आपने महादेव, किंतु मुझे तो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब वेंकटेश मटकी फोड़ेंगे, श्रीनिवास को माखन मटकी फोड़ते हुए देखकर श्री कृष्ण के बालपन की वो पुरानी स्मृतियां स्मरण हो रहा है। जो मैं नहीं कर पाया वो ये वेंकटेश क्या करेगा? ये तो एक साधारण सा व्यापारी है, कैसे फोड़ेगा ये दही हांडी? कुमार, करने दीजिए ना उसे भी प्रयास, हम सबका मनोरंजन हो जाएगा। कहना क्या चाहती हैं? कहना नहीं, दिखाना चाहती हूँ। आप बस प्रतीक्षा कीजिए, आती हूँ। ऊपर चढ़ने के लिए सबको एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, बरोबर ना? तो मुझे आप सब पे विश्वास है, आप सब मुझ पे विश्वास कीजिए, कार्य हो जाएगा। अब ये इतना कह ही रहा है तो करने दो ना इसे प्रयास, क्या समस्या है? और यदि ये सही समय पर दूध और माखन लेकर नहीं आता तो ये उत्सव आरंभ ही नहीं होता था, है ना? ठीक है आई, आप कहती हैं तो हम इन्हें एक अवसर देते हैं। मेरी प्रिय भार्या, मुझ पर विश्वास रखना कि मैं कार्य संपन्न कर सकता हूँ, समझ लेना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं गौरी कि हमने नारायण के श्री कृष्ण अवतार की बाल लीलाओं में उन्हें माखन चोरी करके खाते हुए देखा, और अब नारायण के ही एक अन्य रूप श्रीनिवास को मटकी फोड़कर माखन खाते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सत्य कहा आपने महादेव, ये जन्माष्टमी का उत्सव तो अत्यंत विशेष है। क्षमा कीजिए, किंतु ये भी एक प्रथा ही है, आपको इस पड़ाव के विषय में ज्ञात होगा ना?
यदि आप अभी भी अपना निर्णय बदलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मटकी तोड़कर माखन खाने का निर्णय लिया है तो सभी प्रथाओं का सम्मान तो करना ही होगा। आप अपनी प्रथा निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मेरा प्रेम प्रत्येक जन्म में केवल तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाकर रहूंगा कि श्रीनिवास के रूप में भी मैंने तुमसे सच्चा प्रेम ही किया है। सिद्धिक को लग रहा है कि इसमें कुछ तो विशेष बात है। देखो वहां चढ़ना कितना कठिन है किंतु फिर भी वो हार नहीं मान रहे। मुझे विश्वास है कि ये अवश्य मटकी फोड़ देंगे। मटकी फोड़ना तो दूर, हमें नहीं लगता ये ऊपर तक भी पहुंच पाएगा। मैं दावा करती हूँ कि ये मटकी अवश्य फोड़ेंगे। मैं प्रसन्न हूँ कि पद्मावती ने मुझ पर विश्वास दिखाया, किंतु श्रीनिवास के प्रेम और विश्वास का आधार वो तो केवल उसकी श्री है। भार्गवी, तुम भी यदि मुझ में विश्वास दिखाओगी तो मैं अवश्य ऊपर पहुंच सकता हूं मटकी तोड़ने के लिए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? इतना सरल नहीं है ये कार्य। मैं एक राजकुमार हूं और बहुत से अभ्यास किए हैं मैंने। जब मैं नहीं कर पाया तो ये वेंकटेश क्या करेगा? ये तो एक व्यापारी है। मेरे पति एक व्यापारी होकर जो कार्य कर सकते हैं ना, वो बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर सकते। मुझे तो पूर्ण विश्वास है। आपको क्या लगता है? मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। किसी पर विश्वास उन्हें जानकर नहीं, अपितु उनके सच्चे मन और किसी को पाने की दृढ़ निश्चय से किया जाना चाहिए। इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ मैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये मटकी तोड़ पाएंगे या नहीं? क्षमा कीजिएगा किंतु मुझे अभी जाना होगा। पैर क्यों लड़खड़ाने लगे? अब तक तो वो ठीक चल रहे थे। राजकुमारी, लगता है आप दांव हारने वाली हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है जो वेंकटेश अपना संतुलन खो रहे हैं। कारण बहुत ही सरल है देवी पार्वती। जो आपसे प्रेम करता है यदि वही आपके साथ ना हो, यदि उसी का विश्वास आपके साथ ना हो, तो मनुष्य हो या ईश्वर, किसी का भी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है।